गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ ये विजन आईएस के नोट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं बाय द टॉपर्स, और मैं इनका एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर रही हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इसके अंदर हम जानेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे चीज़ें, साथ में एक बहुत फेमस वुड्रो विल्सन्स के 14 पॉइंट्स, एलीट पावर का जो एटीट्यूड था, पीस ट्रीटीज, और साथ में वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट हम आपको सब बताएंगे। आइए फटाफट से शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पे हम शुरुआत में सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये श्लिफिन प्लान था, इस प्लान के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन द लेक्चर नंबर 15, ठीक है। तो ये प्लान जो था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जर्मन्स ही फेल हो गए थे यहाँ पे डिफीट करने में फ्रेंच को इन्होंने डिफीट करना था एक प्लान टाइम में 6 हफ्तों के, और ये नहीं कर पाए थे। इसके चलते जर्मन हारे तो ये प्लान भी यहाँ फेल हो गया। इसके बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि अब बेटा वॉर जो है ये युद्ध लंबा चलेगा, और ट्रेंच वॉरफेयर और वॉर जो सी में थी, ये दो इम्पोर्टेंट फीचर थे इस वर्ल्ड वॉर वन के। आइए पहले आपको ट्रेंच वॉरफेयर समझाती हूँ। ये हुआ मेनली फ्रांस के अंदर दोनों ही साइड्स की आर्मीज से, जो कि डिग कर रहे थे, खोद कर रहे थे, ठोक रहे थे ट्रेंचेस को। सोल्जर्स बैठ जाते थे अंदर और उसके बाद फायर करते थे इन ट्रेंचेस से अंदर से। जब भी ट्रूप्स जो है वो चार्ट आउट करते थे ना ट्रेंचेस को अगेंस्ट द एनिमी, तो दे वर एक्सपोज्ड इन ओपन फील्ड, तो आएगी ओपन फील्ड में, एंड इसलिए इजी टारगेट बन जाते थे ये एनिमी का। इस तरह से दोनों ही साइड्स को यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी, और जल्द ही सून एक स्टैंड ऑफ डेवलप्ड हुआ, दोनों ही साइड स्टेशन करी इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस, ठीक है। सब लोग आ गए यहाँ पे और दोनों ही साइड ने अपनी अपनी तरफ लोगों को तैनात कर दिया। अब जो ट्रेंचेस के अंदर जो लाइफ थी ना वो बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि अगर वाटर, मान लीजिए पानी इकट्ठा हो गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो जाते थे और अल्टीमेटली लोगों की डेथ हो जाती थी। अब आती है बात वॉर एट सी की दूसरी वजह, इसमें ब्लॉकेड पॉलिसी क्या है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, इसको फॉलो किया था गया था मेनली ब्रिटेन के द्वारा और जर्मनी के द्वारा। एम ये था तीन चीज़ों को लेके। पहला कि जो ब्लॉकेड है राइवल ट्रेड रूट्स का, ताकि मतलब जो ट्रेड रूट्स है ना राइवल सामने वाले के, इसको ब्लॉक कर दो ताकि राइवल जो है, सामने वाला जो है वो भूखा रह जाए, एंड चूँकि सप्लाई ना हो पाएगी गुड्स की, जैसे आर्म्स की, राशन वगैरह की, तो इसलिए सामने वाला जो दुश्मन है वो सरेंडर कर देगा। दूसरा क्या था कि सिक्योरिटी खुद के ट्रेड रूट्स की प्रोवाइड करना, ताकि जो कंट्री है जो ब्लॉकेट कर रही है वो खुद भी भूखी ना रहे। और तीसरा कि ट्रूप्स का मूवमेंट। तो ये तो हो गई ब्लॉकेट पॉलिसी। अब ब्रिटेन तो सक्सेसफुल हो गया था डिस्ट्रॉय करने में बहुत सारे सरफेस वारशिप को जर्मनी की। दूसरी बात आती है अलीट ब्लॉकेड कॉज प्रॉब्लम्स टू द यूएस। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पर रोक लगा दी और यहाँ पे सर्च करी सारी शिप्स को, ताकि वो जर्मनी को रोक सकें फ्रॉम गेटिंग एनी सप्लाइज। अब इससे क्या हुआ, इससे यूएस की मर्चेंट शिप्स अब ये धीमी पड़ गई, और यूएस चाहता था ट्रेड करना दोनों ही साइड से, एंड इसलिए यूएस ने अलीट ब्लॉकेड को क्या करा, डिसअप्रूव कर दिया। तीसरी बात आती है कि जर्मन्स ने रिटालिएट करा, बदला लिया विद सी माइंस एंड सबमरीन अटैक्स। एक बार जर्मन सरफेस वारशिप ने बहुत सारा भारी मात्रा में डैमेज को सफर किया एट हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश नेवी। तो जर्मन्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन दोस्तों नहीं बचा था बट रिसॉर्ट करना इन सारी सबमरीन अटैक्स को और सी माइंस को दोस्तों। बट इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस घुसा, एज सम इसके जो शिप्स थी वो डूब गई, एंड एक इंसिडेंस में बहुत सारे यूएस के जो सिटीजन्स थे ऑन बोर्ड और एक शिप में थे, उनकी डेथ हो गई।
अब से क्या हुआ, एक पब्लिक ओपिनियन था यूएस के अंदर कि अब ये ज्यादा प्रो ब्रिटिश हो गए थे वहां के लोग। तीसरी बात आती है बैटल ऑफ जटलैंड 1916 की। दोस्तों ये बैटल थी ऑन द सी एंड इसकी वजह से फर्दर ब्रिटिश कंट्रोल हुआ सी सर्फेस पे। इसकी वजह से जर्मनी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था बट यूज करना सिर्फ रह गया था इनके अंडर वाटर सबमरीन्स का। एंड इन एन अटेम्प्ट टू ब्लॉक इट जो अलीस थे अब इन्होंने शुरू कर दिया एक अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर को। लास्ट बात आती है अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर बाय जर्मन्स। दोस्तों अटलांटिक ओशन में 1917 में ये एक जर्मन ब्लॉकेट था जिसका एम था कि ब्रिटिश की सप्लाई लाइंस को कट करना और इसने स्टार्ट करा अटैक करना सारी ही शिप्स को अटलांटिक में। दोस्तों ये जो पॉलिसी थी इसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा बिटवीन द न्यूट्रल शिप्स एंड द शिप्स ऑफ अलीस एंड इसकी वजह से यूएस फर्दर और इन्वॉल्व हुआ बट जर्मनी दो थ्रू दैट इट वुड बी एबल टू स्टाफ द एलीट पावर इनटू सरेंडर बिफोर यूएस डिसाइड टू इंटर द वॉर। अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर ये एक मेजर वजह थी जिसकी वजह से यूएस इस वॉर में आया एलीट पावर की साइड से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ जो कि है वुड्रो विल्सन्स के 14 पॉइंट्स 1918 के। देखिए ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये मोर और लेस एज वॉर एम्स हैं एलीट पावर्स के। आइए मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, वजह यही है। दोस्तों पहला अबोलिशन सीक्रेट डिप्लोमेसी का, दूसरा फ्री नेविगेशन सी में सारे ही नेशंस के लिए इन वॉर एंड पीस, तीसरा इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाना बिटवीन द स्टेट्स, चौथा कि ऑलराउंड रिडक्शन होगा आर्मामेंट्स का, पांचवा इम्पार्शियल एडजस्टमेंट होगा कॉलोनियल क्लेम्स का इन इंटरेस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस कंसर्न, छठा इवैक्यूएशन रशियन टेरिटरी का, सातवा रिस्टोरेशन बेल्जियम का, आठवा लिबरेशन ऑफ फ्रांस एंड साथ में एल्सेस और लॉरेन को यहाँ पे रिस्टोर करना वापस से फ्रांस को, नवा कि रीएडजस्टमेंट इटालियन फ्रंटियर्स का अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ नेशनैलिटी, दसवा सेल्फ गवर्नमेंट लोगों के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी की, 11th पॉइंट रोमानिया सर्बिया मॉन्टेनेग्रो ये इवैक्यूएट कराए जाएं एंड सर्बिया को दिया जाए एक सी एक्सेस, उसके साथ 12th पॉइंट था जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट थी नॉन टर्किश लोगों के लिए ऑटोमन एम्पायर के और परमानेंट ओपनिंग दार्दनेल्स की, 13th पॉइंट था एक इंडिपेंडेंट पोलैंड जिसमें सिक्योर एक्सेस हो सी का, और 14 पॉइंट था एक जनरल एसोसिएशन नेशंस का ताकि पीस को शांति को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों आपको मालूम है विल्सन ने अंडर प्रेशर फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस यहाँ पे दो पॉइंट को ऐड करा रिगार्डिंग जर्मनी, जैसे कि जर्मनी का डिसआर्ममेंट होगा और वॉर रेपरेशंस दिए जाएंगे जर्मनी के द्वारा जो भी सिविलियन लॉसेस हुए हैं उनके द्वारा इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। अब आप यहाँ पे समझिएगा यही सब वर्ल्ड वॉर टू की तरफ जो है ना ये जो बढ़ रही है चीजें ये वर्ल्ड वॉर टू की तरफ लेके जाएंगी। फिलहाल हम चीजों को यहाँ आगे बढ़ाते हैं और एटीट्यूड क्या रहा एलीट पावर्स का और पीस ट्रीटीज का वो आपको समझाते हैं। दोस्तों ब्रिटिश चाहते थे एक लीनियंट ट्रीटी जर्मनी के साथ में, क्यों? क्योंकि एक प्रॉस्परस जर्मनी ये एक मार्केट के तौर पे सर्व कर सकता था इन ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स के लिए। फ्रांस की इच्छा थी कि एक हार्श ट्रीटी हो जर्मनी के साथ में ताकि ये दोबारा से फ्रेंच टेरिटरी को खतरा ना पहुंचा सके आगे आने वाले भविष्य में। यूएस भी चाहता था कि एक लीनियंट ट्रीटी हो जर्मनी के साथ में बट ये डिसअपॉइंटेड था एक हार्श ट्रीटी से दैट जर्मन ने जो साइंस करी थी रशिया के साथ और डिस्ट्रक्शन जो हुआ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जर्मन्स के द्वारा ड्यूरिंग देयर रिट्रीट फ्रॉम फ्रांस एंड बेल्जियम। फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और जर्मन्स जो हैं वो पे नहीं कर पाए पूरी ही कॉस्ट वॉर की बट सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट इन लियो ऑफ डैमेज जो भी हुआ था सिविलियंस को उसको दे पाए और इनकी प्रॉपर्टी को जो डैमेज हुआ था सिर्फ उसको दे पाए। आइए अब आपको मैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीस के बारे में बताती हूँ। दोस्तों इसको साइन किया गया था जर्मनी के साथ में और कुछ मेजर पॉइंट्स थे इसके, जैसे कि पहला जर्मनी लॉस्ट टेरिटरी इन यूरोप, ये क्या था कि एल्सेस और लॉरेन जिस मैंने आपको पीछे बताया ये दे दिया गया फ्रांस को,
इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया ये इंडिपेंडेंट नेशंस बना दिए गए। कुछ जर्मन टेरिटरी के जो पार्ट्स थे इनको डेनमार्क को, बेल्जियम को, पोलैंड को और लिथुआनिया को दे दिए गए। साथ में अगर बताऊं तो सार और यहाँ पे डैनजिग ये जर्मन, इसके इसमें जर्मन पॉपुलेशन थी बट ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए लीग ऑफ नेशंस की। डैनजिग की बात करूं तो एक मेजर पोर्ट था वेस्ट प्रूशिया का। सार की बात करूं तो ये तो जो है वॉज टू बी अंडर लीग ऑफ नेशंस फॉर 15 ईयर्स और उसके बाद एक वोट किया जाता डिसाइड करने के लिए कि ये फ्रांस में जाना चाहता है कि जर्मनी में जाना चाहता है। दोस्तों फ्रांस को राइट दिया गया यूज करने का कोल माइंस को सार के इन 15 सालों के लिए, जब तक के लिए यहाँ पे राइट नहीं आता वोट का। दूसरी बात आती है यूनियन ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में, इस पर रोक लगा दी गई इवन दो ऑस्ट्रिया के पास अच्छी खासी जर्मन पॉपुलेशन थी। तीसरा कि जो जर्मनी के अफ्रीकन कॉलोनीज थी वो उनसे ले ली गई एंड इसको मैंडेट में कन्वर्ट कर दिया गया अंडर द लीग ऑफ नेशंस। साथ में जो मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशंस के वो देखते इन कॉलोनीज को जो इनको असाइन करी गई थी मैंडेट्स के तौर पे एंड साथ में प्रिपेयर करते इनको आगे फ्यूचर में इंडिपेंडेंस के लिए। और एक बहुत बड़ा पॉइंट, जर्मनी को डिसआर्म्ड कर दिया गया। दोस्तों इस पर रोक लगा दी गई कि कोई भी इंट्रोडक्शन कॉन्स्क्रिप्शन का, मतलब कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस का नहीं कर सकता। साथ में जो यहाँ पे राइन लैंड है जर्मनी के अंदर, ये एक बफर जोन बनाई गई फ्रांस और जर्मनी के बीच में, कैसे इसे डीमिलिटराइज कर दिया गया परमानेंटली। जर्मनी को सिर्फ अलाउ करी गई 6 बैटलशिप्स एंड एट मैक्सिमम 1 लाख तक सोल्जर्स। तो इसके पास कोई प्लेन नहीं थे, कोई टैंक नहीं थे और कोई सबमरीन भी नहीं थी। फिर आई बात वॉर गिल्ट क्लॉज की। दोस्तों इसने ब्लेम को डाला फॉर वर्ल्ड वॉर वन सोली जर्मनी के ऊपर और जर्मनी के साथ जो अलीज थे इसके ऊपर। यही सारे पॉइंट्स हैं, यही ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वजह रही है आगे जो जर्मनी ने भाई ये वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई है। और लास्ट बात है वॉर रेपरेशंस। जर्मनी को पे करने थे 6,600 पाउंड्स आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस बट इसे घटा के 2,000 मिलियन पाउंड्स कर दिया गया लेटर एज द अर्लियर अमाउंट वॉज डिसप्रोपोर्शनेटली हाई। ये पहला वाला अमाउंट बहुत हाई था और जर्मन्स इतनी पोजीशन में नहीं थे कि इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकें। एम ये था रेपरेशंस का इंश्योर कराना कि जर्मनी इन्हीं सब में फंसा रहेगा, इसकी इकोनॉमी बहुत लंबे वक्त तक एंड कभी भी ये फ्रांस और ब्रिटेन को फ्यूचर में खतरा नहीं बनेगी। कुछ दूसरी ट्रीटीज भी हुई जैसे कि ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन 1919 में और ट्रीटी ऑफ ट्रियानन ये 1920 में। दोस्तों ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन को साइन करा गया ऑस्ट्रिया के साथ में और ट्रीटी ऑफ ट्रियानन को भी यहाँ पे साइन किया गया वो हंगरी के साथ में। दोस्तों ये ट्रीटीज के अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए जैसे कि पहला ऑस्ट्रिया और हंगरी को रिड्यूस कर दिया गया बहुत छोटे से साइज में एज कम्पेयर टू द एक्सपांस ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। दूसरी बात कि टेरिटरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अमंग अदर यूरोपियन नेशंस इस प्रिंसिपल पे सेल्फ डिटर्मिनेशन के, जिसे इंटेल किया गया कि अब लोग जो है वो रहेंगे सरकार के अंदर अपनी खुद की नेशनैलिटी में। और दूसरी है ट्रीटी ऑफ सर्विस 1920 की। दोस्तों इसको साइन किया गया था टर्की के साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि बहुत भारी मात्रा में लॉस हुआ था टेरिटरी का टू ग्रीस, एग्जाम्पल ईस्टर्न थ्रेस और स्मायरना, ये इसका लॉस हुआ ग्रीस को, इटली को भी कुछ टेरिटरी मिली। दूसरी इसके अंदर बात थी कि जो दार्डनेलेस या स्ट्रेट्स जो कि आउटलेट थी फ्रॉम ब्लैक सी जो प्रोवाइड करता था, ये परमानेंटली ओपन कर दिया गया। और तीसरा रहा कि ऑटोमन एम्पायर की जो कॉलोनीज थी इन्हें भी मैंडेट में कन्वर्ट कर दिया गया और साथ में ब्रिटेन और ये फ्रांस को दे दिया गया। सीरिया एक फ्रेंच मैंडेट बन गया वाइल ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आपका ट्रांस जॉर्डन, इराक और पैलेस्टीन आ गए। फिर आई बात वर्डिक्ट ऑन पीस ट्रीटीज की। दोस्तों जैसे कि आपको देखने को मिला ये वुड्रो के विल्सन के 14 पॉइंट्स में जो प्रिंसिपल था सेल्फ गवर्नमेंट का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का ऑन लाइन ऑफ एथनिसिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का थ्रू ओवरऑल डिसआर्ममेंट, ये एक मेजर प्रिंसिपल्स थे जिसे एलीट पावर के द्वारा सामने रखे गए थे एज वॉर एम्स। जब
एसेस करा गया इन सारे ही प्रिंसिपल्स पे तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कैन नॉट बी जस्टिफाइड। इस हिसाब से तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जस्टिफाइड नहीं थी ये, बल्कि एक मेजर टूल बन गई जिसे यूज करा गया था इनके द्वारा लेटर बाद में जो फैसिस्ट रिजाइम के द्वारा जो कि हिटलर के थे टू वेज अनदर वॉर। मैंने बताया ना कि ये वर्ल्ड वॉर टू की कारण बन गई थी चीजें। तो आइए कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊं इसके चलते कि पहला कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक डिक्टेटेड पीस थी। क्यों? क्योंकि जर्मन को अलाउ नहीं करा गया कि नेगोशिएशंस में इनका कोई जो है साथ हो या कोई पार्ट बने, और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन इनके ऊपर थोकी गई एंड क्रिटिसिज्म थोपा गया थ्रू राइटिंग्स, एंड सारे ही क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर दिया गया। सिर्फ एक क्लॉज जो लॉस ऑफ टेरिटरी का था यही था जहाँ पे जर्मन्स ने को कंपनसेट किया गया था। इंडस्ट्रियल रीजन जो अपर सिसिलिया का था वेस्ट प्रूशिया में ये भी जर्मन्स को दे दिया गया था आफ्टर वोट। बट एलीट पावर्स ने ये आर्ग्यू करा कि ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क जो है वो वॉज ऑल्सो अ डिक्टेटेड पीस अपॉन रशिया। अब बात आती है दूसरी बात की, द क्लॉज ऑफ डिसआर्ममेंट जर्मनी। तो इसे जो रखा गया ना ये वर्चुअली बेकार चीज थी। मतलब आप ये समझिए जो जर्मनी के ऊपर चीजें थोपी गई हैं वो अनजस्टिफाइड थी। विल्सन के 14 पॉइंट्स के अंदर ऑल राउंड डिक्रीज था आर्मामेंट का, बट क्यों सिर्फ जर्मनी को ही डिसआर्म किया गया एंड कोई बाकी यूरोपियन पावर जो है वो ऐसा उनके साथ तो किया नहीं गया। और जो लिमिट थी ट्रूप्स के ऊपर और आर्म्स के ऊपर जो लगा दी गई थी ये काफी मुश्किल बना दिया था इसने जर्मनी को अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तीसरी बात आती है प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी एथनिसिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की। दोस्तों ये एक मेजर प्रिंसिपल्स था जिसे एडवोकेट करा गया एलीट पावर्स के द्वारा जस्टिफाई करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन यूरोप के इंटरनल बॉर्डर्स का और क्रिएट करने के लिए एक नई इंडिपेंडेंट स्टेट को हैब्सबर्ग एम्पायर से। बट दोस्तों ये कम्प्लीटली फॉलो नहीं करा गया। जर्मन्स की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जर्मन के टेरिटरी का जिसमें जर्मन की पॉपुलेशन थी ये एक न्यूली क्रिएटेड नेशंस को दे दिया गया। पोलैंड के पास करीब 1 मिलियन से ज़्यादा जर्मन्स थे और जो यूनियन था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में इसे रोक दिया गया इवन तब भी जब ऑस्ट्रिया के पास में बहुत सारे एथनिक जर्मन्स थे। जब ट्रीटी हुई दोस्तों सेंट जर्मन की और ट्रीटी ऑफ जो ट्रियानन की हुई ऑस्ट्रिया के साथ और हंगरी के साथ तो करीब 3 मिलियन जर्मन जो कि सुदिन टेनलैंड में हैं अब वो पार्ट बन गए शेजोस्लोवाकिया का। रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जर्मन्स आउटसाइड जर्मनी रहने लगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, एंड इसकी वजह से भी इसने इसका यूज हिटलर ने किया था जस्टिफाई करने के लिए जर्मन का अग्रेशन एंड एक्सपेंशन बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। इसी के अंदर अगर मैं टर्क्स की बात बताऊं तो दोस्तों जो ट्रीटी थी सर्ब्स की ये जो थी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ठीक है सर्ब्स की, ये भी वायलेशन थी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये हुआ कि एरियाज जहाँ पे टर्क्स रहते थे वो सारे एरिया ग्रीस को दे दिए गए, खासकर जो टेरिटरी ऑफ स्माइना है जो कि टर्किश मेनलैंड थी। इसकी वजह से क्या हुआ नेशनलिज्म बढ़ने लगा टर्की में और नेशनलिस्ट जो कि अंडर मुस्तफा केमल थे इन्होंने ट्रीटी ऑफ सर्ब्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। ग्रीस को चेज करा गया आउट ऑफ सेमेरिया एंड मुस्तफा जो केमल थे उन्होंने फोर्स करा मतलब फोर्स रीनेगोशिएशन। अब बात करें अगर स्मायर्ना की एंड कुछ दूसरे फॉर्मल टेरिटरीज की जो कि ओटोमन एम्पायर की हैं, इन्हें रीस्टोर करा गया टर्की को थ्रू ट्रीटी ऑफ लॉसेन जो कि 1923 में हुई। इसी के अंदर अगर मैं अरब्स की बात करूं तो यहाँ पे टी ई लॉरेंस ये ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंसाइट करने में अरब्स को अगेंस्ट टर्क्स। दोस्तों इन्होंने रिवोल्ट्स को लीड करा बाय अरब्स अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर फ्रॉम 1916 टू 1918। जब सपोर्ट करा इन्होंने अलीस को इन वर्ल्ड वॉर वन तब अरब्स ने उम्मीद लगाई थी कि इनको इंडिपेंडेंस मिलेगी, बट इनकी उम्मीद अनफुलफिल रही और अरब्स काफ़ी अनहैप्पी थे इस बात से रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ जूश स्टेट विद इन पैलेस्टीन। और लास्ट में अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस को कुछ नहीं मिला, कोई रियल अटोनमी नहीं मिली इवन वेन बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने लड़ा था ब्रिटिश के साइड से। वॉर एम्स जो कि एलीट पावर्स के थे उसके अंदर सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन था,
भारत की जो भारत के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का दोस्तों, वो भी एस्पिरेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं पूरी कर पाया। साथ में डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की, ये भी एक मेजर ग्रीवियांस था मुस्लिम्स के बीच में। साथ में ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था इंडियंस को कि एक लीनियंट ट्रीटमेंट देंगे ऑटोमन एम्पायर को आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन रिटर्न फॉर इंडियन सपोर्ट, बट इन्होंने ऐसा भी अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करा। तो ये सारे फैक्टर्स, इसके साथ कॉलोनियल ऑपरेशन जलियांवाला बाग मसाकर के जो है फॉर्म में, आपका रॉलेट एक्ट के फॉर्म में, इसकी वजह से खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तेजी से ट्रिगर कर गए भारत के अंदर। चौथी बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी की। दोस्तों ये तो काफ़ी विडंबना वाली बात है कि एलियट पावर्स ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी का यूज़ करा अपनी न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स को जस्टिफाई करने के लिए, जो नीडेड एरियाज हैं हैविंग जर्मन पॉपुलेशन, बट यूनियन जो था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में, इसे तो इग्नोर कर दिया गया इवन विद यहाँ पे परफेक्ट इकोनॉमिक सेंस बन रहा था। फिर आई बात लॉस ऑफ कॉलोनीज की। दोस्तों जो ऑब्जेक्शन था लॉस ऑफ अफ्रीकन कॉलोनीज का बाय जर्मनी, वो जेन्युइन था और डिस्ट्रीब्यूशन ये इम्पार्शियल नहीं था एंड वो सेटिस्फाइंग था इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस को एलीट पावर्स की। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस ने हैंड ओवर कर दिया इन सारी कॉलोनीज को एज मैंडेट सिर्फ और सिर्फ एलीट पावर्स को, और मैंडेट सिस्टम ये एक राइवल, एक वर्चुअल अनेक्सेशन ही समझिए इन जर्मन कॉलोनीज का बाय एलीट पावर्स। ब्रिटेन को तो जर्मन ईस्ट अफ्रीका मिल गया, फ्रांस को ज़्यादातर कैमरून मिल गया और टोगो लैंड मिल गया, भाई बाकी सारा जो हुआ इन सारी दोनों ही कॉलोनीज का वो ब्रिटेन को दे दिया गया। तो साउथ अफ्रीका को जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका मिल गया, तो ये एक बात है। उसके साथ बात आती है यहाँ पे वॉर गिल्ट क्रॉस की। तो दोस्तों ये काफ़ी प्रिटी मच एविडेंट था कि सारी ही जो इम्पीरियल पावर्स थी ये रिस्पॉन्सिबल थी इस वर्ल्ड वॉर वन के लिए, इसलिए वॉर का जो गिल्ड क्लॉज है उसमें सारी जिम्मेदारी जर्मनी के ऊपर क्यों थोप दी गई एंड इसके एलीस के ऊपर ही क्यों थोपी गई, ये एक अनजस्टिफाइड बात थी। इसकी वजह से जर्मनी का काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुआ और एलीन पावर ने इंसिस्ट करा इसको जर्मनी को कि आप सारा पैसा भी दो ये जो वॉर का लगा है। फिर आई बात वॉर रेपरेशंस की। एक बहुत भारी मात्रा में वॉर रेपरेशंस इन ह्यूमिलिएशंस टू रहा जर्मनी के लिए। आप जानते हैं 6600 मिलियन पाउंड्स बहुत ज़्यादा पैसा होता है। एम ये था कि जर्मनी को कमज़ोर रखा जाए आगे फ्यूचर में इकोनॉमिकली। फिर आई बात रिडक्शन टेरिटरी की। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ये तो रिड्यूस कर दिए गए बहुत ही छोटे साइज में टेरिटरी और पॉपुलेशन के टर्म में, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वेल्थ ऑस्ट्रिया की ये शेजो स्लोवाकिया और पोलैंड को चली गई, और ये जल्द ही यहाँ देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगे, लोन्स को मांगने लगे लीग ऑफ नेशन से। फिर आई बात फ्री ट्रेड क्लॉज को नेगलेक्ट कर दिया गया। दोस्तों फ्री ट्रेड जो था अमंग नेशंस ये पार्ट था विल्सन के 14 पॉइंट्स का, बट ट्रेड बैरियर्स को इंट्रोड्यूस करा गया ज़्यादातर न्यूटली क्रिएटेड नेशन स्टेट्स के द्वारा। इसकी वजह से ऑस्ट्रियन इकोनॉमी की जो रिकवरी थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई। और लास्ट में रशिया को कुछ खास नहीं मिला इस पीस सेटलमेंट से, क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट रिजाइम वो उनको इन्वाइट ही नहीं किया गया था नेगोसिएशंस में। तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर वन का वो आपको बताती हूँ। पहली बात आती है पीस ट्रीटीज़ की। तो दोस्तों जो एक कमज़ोर पड़ा हुआ जर्मनी था ये सिर्फ टेम्परेरी था, क्यों? क्योंकि कुछ क्लॉजेस जैसे कि डिसआर्ममेंट और ह्यूज वॉर रेपरेशंस ये इम्पॉसिबल थे इम्प्लीमेंट करना। जर्मनी जल्द ही रियाम करने लगा खुद को रशियंस की मदद से एंड डिफॉल्ट कर गया अपने पेमेंट्स में टूवर्ड्स रेपरेशंस। इसी के अंदर ये हुआ कि ट्रीटीज सिर्फ एक मान बीज इन्होंने बोया था रिसेंटमेंट का, और एक्सट्रीम नेशनल राइवलरीज वे जो इन्हें काटनी थी वर्ल्ड वॉर टू के फॉर्म में। दूसरी बात, ट्रीटीज ने डिवाइड कर दिया यूरोप को दो ग्रुप स्टेट्स में। वाइल एक ग्रुप तो चाहता था पीस सेटलमेंट को रिवाइज करना, वही जगह दूसरा ग्रुप चाहता था डिफेंड करना या प्रिजर्व करना इन पीस सेटलमेंट को। तीसरा ये हुआ कि यूएस ने रेटिफाई नहीं करा पीस सेटलमेंट को और कभी भी ज्वाइन नहीं करा इस लीग ऑफ नेशंस को, एज पब्लिक ने जल्दी डिनाउंस कर दिया था विल्सन को और यूएस ने रिवर्ट बैक कर दिया पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी तरह का मिलिट्री इंगेजमेंट फ्यूचर में। साथ में इटली को लगा कि उसके साथ चीटिंग हुई है एंड इसे कुछ नहीं मिला टेरिटरी का जिसे इसे प्रॉमिस किया गया था इन ल्यू ऑफ एंटरिंग द वॉर इन 1915।
दूसरी बात आती है लीग ऑफ नेशंस की। तो इसको बनाया गया इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड पीस को और सोशल वर्क को। साथ में रशिया बना कम्युनिस्ट। इसमें वर्ल्ड वॉर वन की वजह से रिवोल्टिंग बोल्शेविक की यहाँ पे शुरुआत बढ़ने लगी, राइज होने लगा, जो कि रशियन पार्टिसिपेशन के वॉर के अंदर अगेंस्ट थे ड्यू टू इकोनॉमिक बर्डन इट ब्रॉट अपॉन द रशियन पॉपुलेशन। दोस्तों यहाँ पे दो फ्रेजेस थे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के। इन फरवरी रेवोल्यूशन था 1917 का, जहाँ पे सीजर को ओवरथ्रोन करा गया था। ड्यू टू आर्मी म्यूटनीज एंड सिविल अनरेस्ट। साथ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया, बट ये फेल कर पाई कोई भी अपने प्रॉमिस करे गए जो इलेक्शंस में करे गए थे उसे पूरे करने में। अब क्या हुआ इसके आगे, यहाँ पे जो एक प्रोविशनल गवर्नमेंट थी जिसे सेटअप किया गया था हेल्प बाय द जर्मन्स, जर्मन्स की मदद से जो लेनिन थे वो वापस से आए, रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल टू रशिया, एंड इसकी वजह से रास्ता बना अक्टूबर के रेवोल्यूशन एक और हुआ 1917 का, जिसकी वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाहर उठा के फेंक दिया गया। अब बोल्शेविक जिसे लीड करा जा रहा था बाय लेनिन ये पावर में आया, और सेपरेट पीस ट्रीटी जिसे ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क बोलते हैं इसे साइन करा गया जर्मनी के साथ में 1917 में। ये ट्रीटी काफ़ी हार्श थी अपॉन द रशियंस, एंड इसे यूज करा गया था अगेंस्ट द जर्मनी जब इन्होंने व्हेन दे कंप्लेन अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्सलीस बीइंग इमोरल एंड एक्सेसिवली हार्श। फिर बात आती है राइज ऑफ यूएस एज अ हेजेमोनिक पावर के तौर पे। दोस्तों यूएस ने इंटर करा वॉर में 1917 में, जब जर्मनी जो है जब जर्मन ब्लॉकेड ऑफ शिप्स 1917 का शुरुआत हुआ टारगेट करना सारी मर्चेंट वेसल्स को अटलांटिक में इंक्लूडिंग द यूएस। साथ में यहाँ पे जिमरमैन प्लान ये एक दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन यूएस के अंदर बदल चुकी थी इन फेवर ऑफ इंटरिंग द वॉर। ये प्लान प्रोडक्ट था जर्मन डिप्लोमैट जिमरमैन, और एंटेल कर रहा था यहाँ पे परसुएडिंग मेक्सिको को कि वो अटैक करे टू यूएस। साथ में पहले यूएस नहीं चाहता था वॉर के अंदर आना ऑन द साइट ऑफ ऑटोक्रेटिक सीजर, लेकिन जो स्पिरिट थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की वो उसके पीछे थी, एंड यूएस का रिलक्टेंस भी यूएस के रिलक्टेंस के पीछे अमेरिकन रेवोल्यूशन जो थी उसकी स्पिरिट थी। बट जो फॉल हुआ, ये जो गिरा सीजारिस्ट रिजाइम रशिया के अंदर, इससे ये बैरियर भी हट गया। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसने मदद करी यूनाइटेड स्टेट्स को कि एक ट्रू विनर के तौर पे निकल के आया फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर वन। जैसे कि वॉर को नहीं लड़ा गया यूएस के सॉइल पे, इसलिए यूएस तो बच के रहा, कोई डैमेज नहीं हुआ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इकोनॉमिक कॉस्ट रिकंस्ट्रक्शन की बची। दूसरा कि यूएस बिचौलिया बना, इंटरवीन किया इसने मिलिट्री में ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फेज, है ना, और इसने सिर्फ थोड़े बहुत अपने सोल्जर्स खोए और कुछ खास खर्चा भी नहीं हुआ। तीसरी बात कि यूएस ने लोन दिया था एलीट पावर्स को वॉर के टाइम पे, और जर्मन्स आफ्टर द एंड ऑफ वॉर इन्होंने रेपरेशन कॉस्ट भी दी जो इनके ऊपर लगाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीस के द्वारा। इसलिए यूएस को तो बहुत फायदा हुआ इस वर्ल्ड वॉर वन से, और इसकी जो वॉर मशीन थी दैट इज मिलिट्री इंडस्ट्रीज, इसको बड़ा फायदा हुआ सबसे ज्यादा वेपन्स को बेच के ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी वॉर। और जो पूरे 10 साल रहे थे ना वॉर के बाद, मतलब 1929 तक मान लीजिए, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हिट करी यूएस को, तो वो ना तो मोस्ट मतलब सब समझिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रॉस्पेरस था यूएस के लिए। और लास्ट में एक लीडिंग रोल प्ले करा था प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने नेगोशिएशंस में वर्सलीस की। एक सिम्बॉलिक प्रूफ है स्टैचुअर का यूएस का ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। इसलिए हालांकि इवन ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर वन यूएस एक लीडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था, और वर्ल्ड वॉर वन ने तो सिर्फ और सिर्फ तेजी करी थी इट्स अराइवल ऑन द वर्ल्ड स्टेज एज अ ट्रूली ग्लोबल पावर के तौर पर। आइए आगे ले चलते हैं। यूरोपियन इकोनॉमी काफ़ी सफर हुई वॉर की वजह से, और यूरोपियन नेशंस डिपेंडेंट बन गए ऑन द लोन्स फ्रॉम यूएस फॉर रिकंस्ट्रक्शन। फिर बात आती है डिसमेंबरमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर था ये टूटा आफ्टर इट्स लॉस इन द वर्ल्ड वॉर वन, और एक नया नेशन जो स्टेट था टर्की का ये सामने आया। साथ में हैब्सबर्ग एम्पायर भी टूटा, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गए अपने खुद जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, एंड हैब्सबर्ग एम्पायर ये भी ख़त्म हो गया। इसके साथ न्यू नेशन स्टेट्स आए जैसे कि टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन्हें बनाया गया, और फर्दर
शेजो स्लोवाकिया और पोलैंड को भी बनाया गया। दोस्तों सर्बिया ने अपना सपना पूरा करा, यूनाइट करने का स्लेव पीपल को अंडर यूगोस्लाविया जिसे बनाया गया था सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो को यहाँ मर्ज करके। साथ में इस्टोनिया, लैटविया, लिथोनिया को एक इंडिपेंडेंट नेशंस बनाया गया। जर्मनी को यहाँ सीज कर दिया गया फ्रॉम द रशिया आफ्टर ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्विक जो कि 1917 में हुई थी। इसके साथ इंपीरियलिज्म कंटिन्यू रहा, जैसे कि यहाँ पे जर्मन कॉलोनीज कन्वर्ट करी गई मैंडेट्स में, मैंडेट्स को हैंड ओवर कर दिया गया विक्टोर्स में फॉर प्रिपेयरिंग देम फॉर इंडिपेंडेंस एट अ सूटेबल फ्यूचर डेट। ब्रिटिश को जर्मन कॉलोनीज मिली अफ्रीका में, ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज इराक की हों, सीरिया की हों, चाहे ट्रांस जॉर्डन हो, चाहे पैलेस्टीन हो, इन्हें भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एज मैंडेट्स अमंग फ्रांस एंड ब्रिटेन। फिर बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेपन्स की। दोस्तों बहुत सारे नए नए वेपन्स को यूज़ करा गया पहली बार वर्ल्ड वॉर वन में। बारबेड वायर्स, मशीन गन्स, टैंक्स, पॉइस्ड गैस, शेलिंग, ये सब चीज़ें बहुत भारी मात्रा में यूज़ करी गई। इसकी वजह से वर्ल्ड जो है अब शांति से, पीस से तो बहुत दूर चला गया था और इंश्योर कर रहा था कि फ्यूचर की जो वॉर होंगी वो और ख़तरनाक होंगी। और आखिरी में वर्ल्ड वॉर वन की वजह से लोगों का आउटलुक अभी जो है बदल चुका था वॉर को लेके। अब वॉर जो है अभी कंडेम करी जा रही थी बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे लोगों की मौतें हुई थी, हाई सिविलियन कैजुअल्टीज हुई थी। और वर्ल्ड वॉर वन के पहले वॉर को तो ग्लोरियस मान रहे थे जैसे मैंने आपको बताया, और एक डोमिनेटिक फ्लेवर था ना कि हम दबा के रखेंगे ऐसा था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद नहीं था। कुछ राइटर्स जैसे कि हेमिंगवे वगैरह अब ये वॉर को कहने लगे कि ये इनह्यूमन है, इसको ख़त्म कर दो। और ज़्यादातर लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन को एक ट्रेजेडी के तौर पे देखा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वो नहीं, मतलब ये ऐसे देखा कि नहीं होना चाहिए था, है ना। इसने जो है वो कुछ अच्छा नहीं दिया है एंड इसने सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को क्रिएट करा है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू और लाइकली हो गई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपना जो है इस सारे टॉपिक्स को करा। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम लीग ऑफ नेशंस को करेंगे। लंबा चलेगी ये सीरीज क्योंकि भी वर्ल्ड वॉर टू भी है, सारी वजहें हैं, काफ़ी कुछ करना है। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको वीडियोज़ फेसबुक में मिलने के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको PDF और यहाँ पे आपको दोनों जगहों पे क्वेश्चंस और मोटिवेशन कोर्स प्लस जरूरी जानकारी सब जगह मिलेगी। ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।